पैरों में दर्द होना, खासकर रात को होना, जो नींद में बहुत अड़चन डाले। तो अगर आप रात को फिर देर से सोएंगे, फिर देर से उठेंगे, और फिर सारे दिन की रूटीन खराब हो जाती है, भूख खराब हो जाती है, खाने का समय, चिड़चिड़ाहट, तो इसके लिए हमको कारण ढूंढना होता है। और अगर हम कारण ढूंढ लें तो उसका इलाज भी हो सकता है, ताकि आपकी रात ठीक से बीते और आपका दिन भी ठीक से बीते। तो ऐसे ही एक पेशेंट को हमने जो देखा, उसके आप उन्हीं के शब्दों में उनके बारे से सुन सकते हैं कि उनको कैसे आराम हुआ। गुड मॉर्निंग, मैं कीर्ति। ये मेरी मामी जी हैं, मिसेस माया देवी। इनके पैरों में बहुत दर्द होता था, तो हमने कुछ टाइम पहले फॉलो करा, यूट्यूब पे सर्च किए बहुत से हमने क्लिनिक, तो इसमें एक हमारा एक न्यूरोलॉजी सेंटर हमने देखा, जिसमें पता चला कि वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है इन सब चीज़ का। फिर हम इनको यहाँ पे लेकर आए, फिर रात भर सो नहीं पाती थी पैरों के दर्द के मारे, इनको बेचैनी होती थी, झंझनाहट होती थी पैरों में, जिनसे इनका टाइम बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता था, ना खाने का होता था। प्लस में फिर हम जब यहाँ पे आए तो हमने देखा कि इनको फर्स्ट विजिट करवा के कि इनके पैरों में कैसे इम्प्रूवमेंट लाई जाए, हमें डॉक्टर मनवीर भाटिया ने हमें कुछ स्टेप फॉलो करवाए, जिससे हमें पता चला कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट आई। फर्स्ट विजिट में इनका थोड़ा 30 या 40% इनका इम्प्रूवमेंट आया। अब हमारा सेकेंड विजिट है, तो सेकेंड विजिट में हम कम से कम 70-80% रिजल्ट देख लिया है हमने। तो अब इस चीज़ में अगर आप भी कहीं, हम वैसे राजस्थान अलवर से हैं, अगर आप भी कहीं देख सकते हैं कि आपको भी कहीं पैरों में दर्द है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ इसको नज़रअंदाज ना करें, इसका इलाज हो सकता है और इसका इलाज है हमारे यहाँ पे। थैंक यू सो मच।